अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज 14 जुलाई 2019 है और आप लोग देख रहे हो एवरीथिंग इजी चैनल पर आज की सऊदी अरब की अहम खबरें और हालात। तो बढ़ते हैं अपने पहले खबर की तरफ। ताइप हजन रोड पर ट्रेला और कार के माबेन तसादुम में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। ताइप पुलिस के मुताबिक हादसे में मियां बीवी और उनकी 4 साल बच्ची जाँ बहक और ट्रेलर ड्राइवर जख्मी हालत में ताइप मुस्तशफा मुंतकिल कर दिया गया। हिलाल अहमर के मुताबिक वाकया फजर के टाइम में पेश आया। हादम हरामेन शरीफेन का मजीद 72 मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले 1300 अफराद को शाही मेहमान नवाजी प्रोग्राम में हज कराने का ऐलान। ख्याल है इससे पहले हादम हरामेन शरीफेन फलस्तीनी शहदा जो कि इसराइल के हाथों शहीद हुए उसकी फैमिली के 1000 अफराद के लिए शाही मेहमान नवाजी प्रोग्राम के सिलसिले में हज का ऐलान कर चुके हैं। सऊदी जवाजात की तरफ से शुरू करदा नया प्रोग्राम तरीक मक्का प्रोग्राम के जरिए इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ट्यूनिस और मलेशिया से 90 फ्लाइटों के जरिए 36,744 हुजाज किराम सऊदी अरब पहुंचे, जिसमें 13,317 मतार मलक अब्दुल अजीज जद्दा और 23,427 मतार मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज मदीना मनवरा पहुंचे। आज से सऊदी जवाजात यमनी जायरीन यमनी फैमिली विजिट वीजा पर सऊदी अरब में मुकीमों के लिए 3 महीनों के बजाय 6 महीनों का विजिट वीजा तजदीद किया जाएगा। इससे पहले यमनी जायरीन यमनी फैमिली विजिट वीजा होल्डर बाकी मुल्कों जैसा 3 महीने बाद अपने फैमिली विजिट वीजे तजदीद करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यमनियों के लिए जवाजात ने ये 3 महीनों के बजाय 6 महीने कर दिया। सऊदी मरून ने तमाम सऊदी मौदनीन और मुकीमीन को दरख्वास्त किया है कि नमाज जुम्मा या बाकी नमाजों के दौरान गाड़ी मस्जिद के पार्किंग में सही तरीके से खड़ा किया करे। गाड़ी को रोड किनारे या पार्किंग में गलत तरीके से खड़ा करने पर मरूर आपकी गाड़ी को जुर्माना कर सकता है। सऊदी जमार्ग सऊदी कस्टम के मुताबिक सऊदी अरब 2019 के पहले 6 महीनों में 9.1 बिलियन रियाल की मुख्तलिफ अकसाम के मोबाइल इम्पोर्ट कर चुके हैं, जबकि इसके मुकाबले में सऊदी कस्टम के मुताबिक पिछले साल 2018 में 16.8 बिलियन रियाल मुख्तलिफ अकसाम के मोबाइल सऊदी अरब इम्पोर्ट हुए थे, जिसमें चाइना, वियतनाम, इंडिया, इमारात, ताइवान, जनूबी कोरिया, इंडोनेशिया, आयरलैंड शामिल है। सऊदी हया आम इरसाद सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सऊदी अरब में सबसे ज्यादा गर्मी हर्ज 45, अक्सा 45, दमाम 44, रियाज 44 और हपर बातन में 43 सेंटीग्रेड का इम्कान है। तो ये दोस्तों आज की सऊदी अरब की अहम खबरें और हालात। मजीद ऐसे नए नए सऊदी अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सलामुअलैकुम।